दोस्तों, हेयर फॉल एक ऐसी समस्या है जिससे हर दूसरा भारतीय जो होता है वो परेशान होता है, और विशेषकर महिलाएं जो होती हैं वो इस समस्या से बहुत ज्यादा दो चार होती हैं। और उसका कारण यह होता है कि उनके शरीर में आंतरिक तौर पर मतलब अंदर की तरफ से बहुत सारे बदलाव बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। लेकिन इसी बात को बिना समझे ही हम अपने शरीर में नए बाल उगाने के लिए सिर्फ बाहर से ही प्रयास करना शुरू कर देते हैं, और जब हमारे बाल बाहर से प्रयास करने के बाद नहीं उगते हैं तो हम बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ किसी भी पेड़ की पत्तियों को पानी देकर के आप उस पेड़ को बहुत ज्यादा हरा भरा बना सकते हैं? तो डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि अगर किसी भी पेड़ को हमें हरा भरा बनाना है तो हमें उसकी जड़ों पर काम करना होगा, हमें काम करना होगा उसके अंदर खाद डाल करके, उसके अंदर जमीन की उर्वरकता को बढ़ा करके। बिल्कुल वैसा ही हमें बालों के साथ भी करना होता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिन चीजों के डिस्टर्ब होने से हमारा हेयर फॉल बढ़ता है और जो नए बाल हैं वो नहीं उग पाते हैं। सो मेक श्योर, अगर आप भी अपने बालों को नया उगाना चाहते हैं, आप चाहते हो कि आपके बाल जो है वो हेल्दी रहें, बाल बहुत लंबे हो जाएं, मजबूत रहें, घने रहें, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है सो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके हमें मोटिवेशन जरूर दीजिएगा, और सबसे बड़ी बात कि अगर आपने इस परिवार को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा करके बेल के बटन को हिट कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियो कंटेंट के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। दोस्तों, जिस तरीके से जड़ के अंदर आप बहुत सारी खाद डालते हो, आप गोबर डालते हो, आप बहुत सारा डीएपी डालते हो, आप उसके अंदर एनपीके डालते हो, बहुत सारी खाद वाली चीजों को डालते हो, वैसे ही बालों को भी हेल्दी बनाने के लिए जड़ों का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाल कोई हवा की चीज नहीं है कि आए और हमारे सर में चिपक गए। बाल चाहे वो एक हो चाहे वो हजार हो, हर एक बाल जो है वो जड़ों से अंदर से बाहर की तरफ निकल रहा है। तो तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं जिनकी डिस्टर्ब होने की वजह से हमारे जो बाल होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं और नए बाल नहीं उगते। नंबर वन पर आता है हमारे शरीर में होने वाली आयरन की डिफिशियंसी। 80-85% हिंदुस्तान के अंदर जो पॉपुलेशन है उसका जब आप टेस्ट कराओगे तो आपको पता चलेगा कि वो ज्यादातर लोग जो है वो आयरन डिफिशियंसी से परेशान है। उनका हीमोग्लोबिन जो है वो 10, 11, 11.5, 12 पर चल रहा है। अब रेफरेंस वैल्यू के हिसाब से देखें तो 12 एक अच्छा हीमोग्लोबिन है, लेकिन बाल का उगना एक नेसेसिटी नहीं है, एक लग्जरी है, और इस लग्जरी के लिए आपका हीमोग्लोबिन 13, 14, 15, इवन 16, 17 तक होना चाहिए, तब जाकर के आपका जो बाल है वो अच्छे से ग्रो करता है। बहुत बार ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग टेस्ट कराते हैं और उसमें आयरन जो है वो अच्छा निकलता है, लेकिन उनके शरीर के अंदर फेराटोनिन जो है वो कम हो जाता है। फेराटोनिन जो है वो भी एक ब्लड का ही कंपोनेंट है, जिसके कम होने की वजह से भी हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो डिस्टर्ब होता है, हमारे बालों की जो जड़ें होती हैं वो कमजोर होती हैं। तो मेक श्योर कि आयरन और फेराटोनिन ये दोनों ही चीजें आपके शरीर में अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। अभी कैसे हो सकती है? तो इसके लिए बहुत सरल सा उपाय है कि हमें रोज रात को 20 से 25 पीसेस किशमिश जो होती है ना उसके भिगो करके रख देने हैं, और सुबह उठ करके उन्हें खाली पेट बहुत बढ़िया से चबा चबा करके खाना है। जब आप इस प्रयोग को करोगे तो 3 महीने के अंदर ही हमारे शरीर में आयरन की डिफिशियंसी कम होगी, फेराटोनिन की डिफिशियंसी कम होगी, और हमारा हीमोग्लोबिन 13, 14, 15 तक पहुंच जाएगा, और ये बहुत ज्यादा मदद करेगा हमारे शरीर में नए बालों को उगाने के लिए, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारे बालों के अंदर जो फॉलिकल्स को स्टिम्युलेशन चाहिए होता है वो मिलना शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वो आती है विटामिन डी की डिफिशियंसी। विटामिन डी एक बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन कंपोनेंट है, क्योंकि इसी की वजह से हमारे शरीर के जो हॉर्मोन्स हैं वो बैलेंस होते हैं। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो उसकी वजह से हमारे शरीर के जो हॉर्मोन्स हैं वो डिसबैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। सो बहुत ज्यादा जरूरी है कि विटामिन डी की कमी को अपने शरीर में ना होने दिया जाए। और आजकल अगर मैं देखूं तो लगभग 70-75% लोग भारतीय ऐसे हैं जिनके शरीर में विटामिन डी की कमी है, क्योंकि आज हम जिन घरों में रहते हैं वहां धूप नहीं आती, ऑफिस एसी हो गए हैं, गाड़ियां एसी हो गई हैं, और बाहर निकलने का हमारे पास समय नहीं होता है कि हम बाहर निकलें और धूप खा लें। तो ऐसी कंडीशन में आई वुड रिकमेंड कि आपको 10,000 IU मतलब
इंटरनेशनल यूनिट्स का एक टैबलेट या एक कैप्सूल जो है विटामिन डी का, वो रोज अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। हफ्ते में एक गोली वाला भी आप कॉन्सेप्ट फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये रिकमेंडेशन होता है कि जनरली ये देखा गया है कि हफ्ते में एक बार किसी भी चीज को करना या लेना हम जनरली भूल जाते हैं। रोज जिस चीज को लेना होता है तो वो हमारे लिए आसान होता है, उसकी आदत बनना इजी हो जाता है। सो मेक श्योर 10,000 आयु आप बहुत आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे और उनसे रिकमेंडेशन लेंगे तो वो आपको कुछ अच्छे ब्रांड का दे देंगे, वो आप विटामिन डी अपने रूटीन में शामिल कीजिए। इसके साथ के साथ डेयरी प्रोडक्ट्स जितने हैं, दूध, दही, मक्खन, घी, लस्सी, छाछ, इन चीजों को अपने रूटीन में जरूर शामिल कीजिए। इससे विटामिन डी आपके शरीर में बनेगा और विटामिन डी जब बनेगा तो आपके शरीर के हॉर्मोन्स बैलेंस होंगे, बालों की जड़ें मजबूत होंगी और आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वो आता है फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी। फॉलिक एसिड विटामिन बी फैमिली का ही एक पार्ट है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वो एक ऐसा विटामिन आप बोल सकते हो या एक ऐसा कंपोनेंट बोल सकते हो जिसकी कमी की वजह से हमारे शरीर में कमजोरी का हमें अनुभव होने लगता है। कम काम करते हुए थक जाना, थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ते ही हांफने लगना, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो इन फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से आते हैं। सो मेक श्योर कि अपने शरीर में फॉलिक एसिड की कमी को पूरा करने के लिए आप हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा खाएं तो ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। लास्ट एक चीज जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं जो आपको हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए अगर आप अपने बालों को हेल्दी रखना चाहते हो, वो है मोरिंगा लीव्स पाउडर। मोरिंगा को हिंदी में सहजना बोला जाता है और सहजने के पेड़ की जो ये सूखी हुई पत्तियों से बना हुआ पाउडर होता है ना, ये बहुत सारे जो कंपोनेंट्स है, बहुत सारे जो हमारे बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स है उससे बहुत ज्यादा रिच होता है। इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कोई ऐसा मिनरल इसके अंदर नहीं होगा जो इसमें नहीं हो, कोई ऐसा विटामिन नहीं होगा जो इसके अंदर नहीं हो। तो सारे मिनरल, सारे विटामिन जो कि बालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हमें इस मोरिंगा लीफ पाउडर में मिल जाते हैं। साउथ के जो लोग होते हैं वो मोरिंगा का, ड्रमस्टिक का बहुत इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से आप देखिए उनके बाल बहुत हेल्दी होते हैं। सो मेक श्योर इसे दिन में दो बार, एक चम्मच सुबह और एक चम्मच रात को, आप पानी के अंदर घोल करके लीजिए। थोड़ा सा कड़वा होता है इसका टेस्ट, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ले पा रहे हो तो एक एक चम्मच शहद ऐड करके आप ले लीजिए, ये आपको 3 महीने के अंदर ही बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। मैं अमेजोन से आपको ऑर्गेनिक मोरिंगा लीव्स पाउडर परचेस करने का लिंक दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इसे इजीली ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से आप बाहर से प्रयास करते हो अपने बालों को उगाने के लिए, बालों को हेल्दी बनाने के लिए, बिल्कुल उतना ही प्रयास आप अपने बालों को अंदर से भी हेल्दी बनाने के लिए करोगे। और जब आप ये प्रयास करोगे ना तो 3 महीने में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। मेक श्योर इसे ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से हमें देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल।